अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैटल पी के। आज की इस वीडियो में कावासाकी जी टी 125 का ऑलमोस्ट जेन्युइन कंडीशन का रिव्यू करूंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ओरिजिनल हैं, कौन से नॉन जेन्युइन हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट इसकी स्नाडो की लगी हुई है जो कि मेड इन थाईलैंड होती है। स्टैनले की हमारे पास पड़ी हुई है, वो बस लगाने की देर है। इंडिकेटर्स भी हैं ओरिजिनली, लेकिन हैं मेरे ख्याल से थाईलैंड वाले, लेकिन इनकी भी काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। फ्रंट मोनोग्राम इसका ओरिजिनल लगा हुआ है, ओरिजिनल की ये निशानी है कि बैक पे इसकी कोडिंग होती है कुछ। फ्रंट मोनोग्राम इसका लोकल नहीं है, ओरिजिनल लगा हुआ है। और रिम्स की बात करें, रिम्स इसके DID इंडोनेशिया वाले लगे हुए हैं जो कि इंडोनेशियन कावासाकी 125 में अलग के आते थे, जो कि इनकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इन दिनों। और फ्रंट हम डिस्क सिस्टम की बात करें तो ओरिजिनल कलर में, ओरिजिनल पेंट में, ओरिजिनल जैपनीज इसका लगा हुआ है सिस्टम। और इसके अलावा रिफ्लेक्टर भी इसके ये वाले ओरिजिनल हैं। हॉर्न इसका ओरिजिनल नहीं है, हॉर्न इसका होंडा 125 का लगा हुआ है, वो भी अवेलेबल हुआ तो जल्द लगा लेंगे। इसके अलावा वायरिंग वगैरह इस बाइक की टोटल वायर टू वायर ओरिजिनल इसकी लगी हुई है जैपनीज़। और अब शिफ्ट करते हैं अपने मीटर की तरफ। तो इसका मीटर ब्रांड न्यू मीटर इस पर लगाया गया था जो कि कुछ ही 1000 किलोमीटर चला है। तो इसके अलावा जैपनीज मीटर इसका है, फ्यूल गेज सब कुछ वर्किंग, RPM मीटर, सारी लाइट्स वगैरह इसकी वर्किंग में है। और राइट साइड पे असेंबली इसकी ओरिजिनल कावासाकी 125 वाली जैपनीज लगी हुई है। लेफ्ट साइड पे भी ये ग्रिप्स की बात करें तो ग्रिप्स इसकी थाईलैंड वाली लगी हुई है ओरिजिनल। हैंडल भी इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। पेंट क्वालिटी आप अगर देखें काफ़ी बहुत खूबसूरत, बीच में पर्ल्स भी हैं, बहुत खूबसूरत इसका पेंट किया गया है, काफ़ी मेहनत वाला। मोनोग्राम अगर आपको पहचान है तो ये जैपनीज ओरिजिनल मोनोग्राम लगे हुए हैं, वो भी 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलते। कुछ सबसे माशाल्लाह अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ज़ीरो का जेन्युइन सिलेंडर डब्बा पैक्स बॉक्स पैक सिलेंडर इसमें डाला गया है। और ओवरऑल फुल इंजन इसका प्रीकंडीशन हुआ है जैपनीज पार्ट्स के साथ, कि अगर आप ऊपर बैठ के थ्रॉटल दें तो आपको पता लगेगा। इसके अलावा मोनोग्राम इसके बैक शॉक्स इसके हम तलाश में हैं, क्योंकि अभी होंडा 125 वाले लगे हुए हैं, बैक शॉक्स इसकी तलाश में हैं, वो जल्द से जल्द हमें अगर मिल जाएँ तो हम लगा देंगे। बैक मड गार्ड, बैक लाइट, सीट और सलेंसर इसका नया डाला गया था। सलेंसर नया तो नहीं, सलेंसर क्रोम ही हुआ है, लेकिन ओरिजिनल डाला गया था KH125 का। और इसके अलावा बाइक फुली रिस्टोर्ड हुआ है अच्छे पार्ट्स में। तो अब बगैर टाइम वेस्ट इसकी साउंड की तरफ चलते हैं, फिर चलेंगे इसकी टेस्ट राइड पे। तो गाइस, साउंड टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि इसकी पार्किंग लाइट भी वर्किंग में है। कुछ ऐसे तरीके से इसकी पार्किंग लाइट ऑन होती है जो कि फ्रंट में हेडलाइट में छोटा बल्ब और मीटर की लाइट्स और बैक लाइट में जो बल्ब्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने साउंड टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट राइड की मैं वही वीडियो लगा रहा हूँ जो कि मेरे पास पहले पड़ी थी। उसके बाद मैं बाइक को चला तो काफ़ी दफ़ा चुका हूँ, लेकिन एज सच वीडियो नहीं बनाई। तो एवरेज की बात करें, अब ये कंप्लीट इसका रिव्यू होगा क्योंकि मैं एवरेज की भी बात कर रहा हूँ। एवरेज की बात करें, ये बाइक बाय रोड लाया था मेरा दोस्त गुजरात से। तो लॉन्ग पे आपको पता है बाइक एवरेज अच्छी देता है, तो इसने जो एवरेज स्पीड रखी हुई थी वो थी 70-80। एक बार ये ज़रा इसने थ्रॉटल दिया और ये 130 तक ले गया था बाइक को। तो उसमें जो वहाँ से इसने फिर एवरेज कैलकुलेट की है तो वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर लीटर बनी थी, क्योंकि इसने वहाँ से टैंक फुल कराया था और तकरीबन हाफ टैंक से थोड़ा कम बाइक ने पिया था, तकरीबन 6 लीटर पेट्रोल इसने पिया था वहाँ से यहाँ तक। तो तकरीबन 30 किलोमीटर इसकी एवरेज बन रही थी। और लोकल हम अब GTO ऐसा बाइक है कि इसको बंदा स्लो चलाता नहीं है, या तो भगा के रखता है या फिर बिल्कुल ही स्लो चलाता है। तो भगा के रखने में इसकी एवरेज जो है वो तकरीबन 22-24-25 तक आ जाती है, वो भी अगर आपका बाइक स्टॉक उसमें, अगर आपने बहुत पेट्रोल कम कराया है फिर तो आप भगा ही नहीं सकते, बाइक कहीं ना कहीं सीज कर जाएगा। इसके अलावा राइडिंग इसकी बड़ी मज़े की है, मतलब रोड अट्रैक्शन बहुत है, लोग आपको बार बार रोक रोक के पूछते हैं
और माशाल्लाह बाइक भी ऐसा है कि पूछना पड़ता है। इसके अलावा जो चलने में तो वही जो मेरा बाइक था जैसे वैसा ही है, लेकिन जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो वाला मेरे वाले में वो चीज़ नहीं थी। जो इसका एक डाउन करो तो इसका तकरीबन दूसरा के 95 तक जाता था अगर आप फुल रेव करें तो। तो अब बात करते हैं कि आपको इस कंडीशन का बाइक कितने प्राइस रेंज में मिलेगा। अब इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जैपनीज पार्ट्स हैं इंजन वाइज, और वैसे कुछ पार्ट्स थाईलैंड के भी हैं, लोकल कुछ भी नहीं लगा हुआ इस बाइक में, या थाईलैंड या ताइवान या फिर जैपनीज़, ऑलमोस्ट जैपनीज़ कह सकते हैं। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो जैपनीज़ ही हैं, जो छोटी छोटी हैं वो कुछ ताइवान की हैं। इसके अलावा इसकी अगर प्राइस की बात करें, अगर आपको फुल जैपनीज़ बाइक चाहिए तो 5-6 लाख तो कहीं नहीं गया, और अगर इस कंडीशन का चाहिए, ये भी अब नया ही है ऑलमोस्ट, तो इस कंडीशन का आपको कम से कम 3.5 लाख जेब में रखना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपको इस कंडीशन का बाइक मिलेगा। अब जो इसके लवर्स नहीं हैं, जिनको नहीं पता इस बाइक के बारे में, उनके लिए तो ये 10,000 में भी नहीं है कुछ, लेकिन जिनको पता है, वर्थ का पता है, तो उनके लिए सब कुछ है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन हो इस बाइक के उससे तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।